मैं पहले मेरा नाम बता देता हूँ, आपने अभी सुना होगा पुश पुश, तो ये कैसे पढ़ा वो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरे दादाजी थे जिनका नाम था उसका नामकरण, अब उनका देख लीजिए नाम के हिसाब से उनके काम थे। वो गाँव में कोई भी पैदा होता बच्चा तो वो नाम रखने उनके पास ही आते थे। अब गाँव के सभी बच्चे जैसे किशोर, वेंकी, संतोष, देवान, खुशबू, योना, सबके नाम इन्होंने रखे थे। और उनको गांव वाले भी पूछते थे कि आपके घर का पोता या पोती होगी तो क्या नाम रखोगे, मतलब तो वो भी बहुत स्टाइल में बोलते रहे ना कि मतलब देख लेना ऐसा नाम रखूंगा कि इतिहास में ढूंढते रह जाओगे। और वही हुआ, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा नाम इतिहास में गुजरता होता। तो टाइम उस टाइम की बात है कि जब मेरी माँ 19 से थी, दादाजी भी थोड़ा लुढ़के में से थे और डैडी मेरे परेशान थे बहुत, तो उन्होंने क्या सोचा कि दादाजी को और मम्मी को दोनों को शहर के कोई अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, कोई चांस मिल लेना है मतलब। और मेरे डैडी की मतलब बॉडी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि जहाँ उनकी शर्मा जाए मतलब, तो उनके बस की नहीं थी कि दोनों को संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया, तीन मजदूरों का इंतजाम किया और वो तीन मजदूरों को लेकर ट्रेन की तीन टिकटें लिए और जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो देख रहे क्या है कि 2 मिनट बची है जब ट्रेन निकलने में। तो मजदूरों ने कैसे भी उठाया, तीनों को दरवाजे से धकेला, एक सीट पे मेरी बहुत जैसी खुली हुई माँ को लिटा दिया, दूसरे पे लुढ़के हुए दादाजी को और दोनों के बीच में मतलब मेरे डैडी को लिटा दिया। अब 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक से माँ ने अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ लगाई कि हाय मैं मर गई, मुझे अभी बच्चा होने वाला है। और ये सुन के मेरे दादाजी भी परेशान हो गए और वो भी चिल्ला पड़े कि अरे गरम जली तू ये दिन दिखाएगी अभी कि इस घर के चिराग को तू यही पैदा करेगी। अब पापा भी एकदम परेशान, मतलब कि क्या किया जाए, कोई एक्सपीरियंस भी इस बात का कैसे क्या होगा। तो उन्होंने भी आदमी बाजू से औरतों को बुलाया, औरतें भी आई और बहुत ही मतलब बिल्कुल तरीके से अपना पल्लू वल्लू लेके मम्मी को घेर लिया उन लोगों ने। पापा भी आए और वो भी बहुत साइज में आके मम्मी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उनके कान में बोला बेबी पुश पुश। उसके बाद आजू बाजू की औरतें भी बोलने लग गई पुश पुश। धीरे धीरे पूरे कंपार्टमेंट में से आवाज आने लगी पुश पुश, पूरे ट्रेन से आवाज आने लगी पुश पुश। और उतने भी मैं इस दुनिया में आ गया। आप देखो भाई 5 ट्रेन थी तो मैं भी बहुत जल्दी में था, मैंने कहा गवर्न हॉस्पिटल पहुंचे यार यहीं पे हो जाएगा। अब पापा ने देखी अपने हाथ में मुझे लिया और मेरे चेहरे को देखा ही, पीछे से आवाज है अरे कोई बुढ़े के मुंह में गंगा जल डालो, बुढ़ों के स्वर्ग जाने का टाइम आ गया है। और पापा भी फट से भाग के गए और बोले पिताजी इतने पूरे गांव वालों का नाम रखा अपने पोते का नाम नहीं रखेंगे। तो मेरे दादाजी भी मतलब यमराज से 2 सेकंड लिए और अपने लाइफ के 2 लास्ट वर्ड बोले पुश पुश। थैंक यू। तुम्हारी खुश खुश वाली स्टोरी सुन के जमाना जरूर होगा खुश खुश।